ये क्लास एट का मैथ है, चैप्टर पहला रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को जानने से पहले हम कुछ नंबरों को जानेंगे, जैसे आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसका मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसकी डिफिनेशन होता है द काउंटिंग नंबर। द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, ... इनफिनिट। आप जानते हैं जो काउंटिंग नंबर होता है वही नेचुरल नंबर कहलाता है। अब आप नोट पहला लिखिएगा, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। दूसरा द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। इनफिनाइट, इसको बोलते हैं इनफिनाइट। दूसरा आपको जानने से पहले होल नंबर के बारे में जानना पड़ेगा। होल नंबर, होल नंबर का टॉपिक होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसका डिफिनेशन होता है ऑल काउंटिंग नंबर नंबर्स टुगेदर विथ जीरो। टुगेदर विथ जीरो, अगर काउंटिंग नंबर में हम जीरो को शामिल कर देंगे तो आर कॉल्ड होल नंबर। एग्जाम्पल में हमारा है 0, 1, 2, 3, 4 ... इनफिनाइट। इसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर जो होता है द स्मॉलेस्ट होल नंबर इक्वल टू 0। द ग्रेटेस्ट होल नंबर इक्वल टू इनफिनाइट। ये इनफिनाइट का सिंबल होता है। थर्ड होता है कि आल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। आल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, बट लेकिन आर होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। लेकिन प्रत्येक होल नंबर जो था नेचुरल नंबर नहीं है। वीडियो बन। तीसरा टॉपिक है हमारा इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन होता है ऑल होल नंबर टुगेदर विथ ऑल होल नंबर टुगेदर विथ निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर
all whole number together with negatives of natural numbers are called whole integer. एग्जाम्पल में देख लीजिए, 0, 1, 2, 3, डैश डैश इनफिनाइट, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, इनफिनाइट। इसलिए ध्यान देना है कि ऑल होल नंबर, ये यहां से होल नंबर होता है और उसमें क्या शामिल कर देंगे, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का नेगेटिव को शामिल कर देंगे तो ये आपका कहलाएगा इंटीजर। पहला देखिए, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 1, द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू इन्फिनिट इन्फिनाइट, तीसरा द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू माइनस 1, द स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर इक्वल टू इनफिनाइट। अब देखिए आगे, टाइप्स आर इंटीजर पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा निगेटिव इंटीजर, तीसरा लिखिए जीरो इंटीजर। देखिए पॉजिटिव इंटीजर जो का होता है इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, पहला होता है विथ साइन, विथ साइन यानी कि प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, और निगेटिव इंटीजर होता है विदाउट साइन लिख सकते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर है दो टाइप का लिख सकते हैं, एक बार साइन लगाकर और विदाउट साइन का, 1, 2, 3, 4 आगे तक चला जाएगा। निगेटिव इंटीजर क्या होता है आपका, ये ओनली साइन के लिखा जाता है, एक तरफ लिखा जाता है विथ साइन, इसमें होता है माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, डैश डैश डैश। और जीरो इंटीजर जो होता है वो शून्य होता है, न तो इसमें प्लस लगाया जाता है और न ही माइनस। रुक दीजिए।